छपरा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। भोजपुरी फिल्मों की लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं खेसारी यादव के जीवनी और बायोग्राफी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। खेसारी यादव का संघर्षमय बचपन, किशोरावस्था, संघर्ष से सफलता की ओर, जेल जाने तक का रहस्य, खेसारी यादव का जीवन परिचय, खेसारी यादव के हिट एवं सुपरहिट फिल्में और खेसारी यादव के सफलता के रहस्य, खेसारी यादव का चरित्र चित्रण, पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। खेसारी यादव का संघर्षमय बचपन कैसा रहा ये भी आपको बताऊंगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार खेसारी यादव के बचपन की कहानी बहुत ही दयनीय एवं प्रेरणादायक है। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता एक किसान के रूप में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। खेसारी यादव का बचपन सिवान छपरा बिहार भारत में व्यतीत हुआ। खेसारी को बचपन से ही नृत्य गाना गाने का बेहद शौक था। खेसारी यादव के संघर्ष में किशोरावस्था की पूरी डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। खेसारी यादव अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिल्ली में धागा कटाई मशीन चलाते थे। उसके बाद इनकी शादी हो गई। घर परिवार का खर्च अधिक होने के कारण इन्होंने दिल्ली की ओखला संजय कॉलोनी में लिट्टी चोखा की दुकान भी किया और इस काम में उनकी पत्नी काफी सहयोग किया। यह सिलसिला लगभग 2.5 साल तक चला। यहाँ तक कि गांव-गांव में खेसारी अपने कला का प्रदर्शन किया। भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने के लिए उन्होंने फोर्स की नौकरी को त्याग दिया। संघर्ष से सफलता की ओर खेसारी यादव ने क्या कदम उठाए थे ये भी आपको बताऊंगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में पहुंचने के लिए खेसारी यादव को बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का संघर्ष करना पड़ा था, तब जाके कहीं इन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और खेसारी वहीं से फेमस हो गए। आज लगभग भारत में कई राज्यों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेसारी यादव विख्यात हैं तथा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के सुपर स्टार में इनकी सराहना की जाती है। खेसारी यादव के जेल जाने का संघर्ष का रहस्य भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में माने जाने सुपर हिट एक्टर खेसारी यादव को भारत की मानी जानी तिहाड़ जेल दिल्ली में 3 दिन तक बंद करना पड़ा था। सानिया मिर्जा ने मनहानी का केस दर्ज किया था क्योंकि उन्होंने एक एल्बम में टेनिस वाली सानिया दूल्हा खुजली पाकिस्तानी गीत गाया। सानिया मिर्जा ने इनके ऊपर मनहानी का केस दर्ज किया। सानिया मिर्जा की 15 सितंबर 2014 को सगाई हुई थी और खेसारी यादव का एल्बम 18 सितंबर 2014 को रिलीज हुआ था तथा 21 सितंबर 2014 को खेसारी यादव को दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद किया गया था। खेसारी यादव की कुछ खास डिटेल्स से भी आपको रूबरू कराऊंगा। आपको बता दें खेसारी यादव का उपनाम शत्रुघ्न सिन्हा है जो स्टार के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने सिर्फ भोजपुरी फिल्मों में ही काम किया है। ये एक भारतीय हैं। 2011 में इन्होंने अपने करियर का शुरुआत किया था। भोजपुरी की पहली फिल्म साजन चले ससुराल 2011 में डेब्यू करने वाले खेसारी यादव आज भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। खेसारी यादव की भोजपुरी फिल्म किन किन राज्यों में फेमस है ये भी आपको बता दूं। जैसे कि खेसारी यादव की फिल्में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में ज़्यादातर फेमस होती हैं। खेसारी यादव के सुपरहिट भोजपुरी एल्बम के कुछ खास डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। जैसे कि उन्होंने माल बेटा मेला में पीवा गए रे हमार सऊदी भौजी, सैया अरब गए लेना, सैया अबा कि ना अबा हमार लहंगा में मीटर लगा दी राजा जी, प्यार मांगे लुंगी बिछा के, जैसे तमाम भोजपुरी एल्बमों इन्होंने रिलीज किया था। खेसारी यादव का 6 साल तक का फिल्म रिकॉर्ड भी आपको बता दूं। लगभग 6 साल में खेसारी यादव 51 फिल्मों में अपने कला का प्रदर्शन किया था। भोजपुरी के सुपर एक्टर खेसारी यादव को एक अवार्ड से भी सम्मानित किया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो खेसारी यादव की जिंदगी में एक अहम भूमिका रखती है, इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित कर दिया गया है जो 2017 में किया गया था। खेसारी यादव की पत्नी का नाम चंदा देवी है। खेसारी यादव के 2 बच्चे भी हैं जिसमें से 1 बेटा और 1 बेटी है।
बेटे का नाम ऋषभ यादव और बेटी का नाम कृति यादव है। गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली भोजपुरी फिल्में लगभग खेसारीलाल यादव की होती है। खेसारीलाल यादव नृत्य और संगीत और जिम की काफी लत है। ये ज्यादातर नृत्य संगीत और जिम का शौक रखते हैं। मकर राशि के सुपरस्टार खेसारीलाल यादव आज भोजपुरी में किसी सफलता के मोहताज नहीं है। खेसारीलाल यादव अमिताभ बच्चन को काफी पसंद करते हैं। बॉलीवुड के काजल के बहुत बड़े फैन हैं। खेसारीलाल यादव के अपने भोजपुरी फिल्मों में औरत का रोल करना बहुत पसंद है। इन्होंने कई फिल्मों एल्बमों में औरत का किरदार निभाया है, जैसे कि सैया अरब गईले ना, तनी जाए से पहले खाली उठलाली से रोटी बोर के जैसे सुपरहिट एल्बमों में खेसारीलाल यादव ने औरत का रोल प्ले किया है। खेसारीलाल यादव का एक खास पसंदीदा चीज आपको बताने जा रहा हूँ। खेसारीलाल यादव के 4 से 6 लाख तक की चैन पहनना पसंद है। ये क्रिकेट में काफी रुचि रखते हैं। इनकी पसंदीदा फोर व्हीलर फरारी है। खेसारीलाल यादव की मुंबई में एक मकान है जो लगभग 5 करोड़ की बताई जा रही है। खेसारीलाल यादव के पास एक बुलेट, 2 फॉर्चूनर और 1 स्कॉर्पियो अपने सेल्फ यूज के लिए रखे हुए हैं। खेसारीलाल यादव लगभग एक फिल्म के लिए 40 से 50 लाख तक का रुपये लेते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है। इस वीडियो के माध्यम से आपको खेसारीलाल यादव की जिंदगी, उनका जीवन परिचय, इनका बायोग्राफी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर तो बनता ही। भोजपुरी के सारी अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।